गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वी आर फ्रॉम केदारनाथ पब्लिक स्कूल. लेट अस स्टार्ट दिस क्लास. फर्स्ट क्लास इज कैलीग्राफी विथ पेंसिल. वी हैव टू यूज द पेंसिल एंड फॉलो सम स्टेप्स एंड स्टार्ट हाउ टू राइट कैलीग्राफी राइटिंग विथ पेंसिल. ठीक है, तो हम पेंसिल को पहले देखेंगे. हमारी पेंसिल क्या है? ब्लंट होनी चाहिए हमारी पेंसिल, थोड़ा सा रफ होनी चाहिए, शार्प नहीं होनी चाहिए, जिससे हम अच्छे से क्या कर पाएँ, कैलीग्राफी कर पाएँ. तो अगर ब्लंट नहीं होगी या फिर रफ नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको रफ थोड़ा सा बना लोगे. शार्प पेंसिल है उसको क्या कर लोगे, रफ कर लोगे. कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो इसकी नीडल कितनी है, थोड़ी सी मोटी है, ठीक है ना, जिससे क्या होगी, कैलीग्राफी हम अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करना है, पहले हमें, अगर ये नहीं है अच्छी सी पेंसिल तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ़ कर लेंगे अपने पेपर पे, थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे, स्क्रैचेस कर लेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ये हमारी थोड़ी सी पेंसिल की टिप जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लंट हो जाएगी. ठीक है, अब ब्लंट हो गई है, अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है. तो हम पहले क्या सीखेंगे, आज हम पहले सीखेंगे अप स्ट्रोक. ठीक है, अप स्ट्रोक क्या होता है कैलीग्राफी में, जो हमारा जो अप साइड में जाएगी लाइन उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक. तो अप स्ट्रोक का मतलब है हमें क्या करना है, अप साइड में जाना है तो क्या करेंगे, वो हमारी थिन लाइन होगी. ठीक है, हम हमेशा अप लाइन अपवर्ड जाएंगे तो अप स्ट्रोक क्या होगा, हमेशा थिन होगी. तो हम लाइक दिस प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. आपके पास रफ कॉपी है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अच्छे से क्या करना है, अच्छे से अप स्ट्रोक्स फॉर्म करना है. ठीक है, अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आफ्टर दिस आप क्या बनाओगे, आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हम डाउन स्ट्रोक सीखेंगे. हम पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इसको, तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. ठीक है, कि अप स्ट्रोक था तो हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या सीखेंगे, अब हम डाउन, यस डाउन स्ट्रोक. तो डाउन स्ट्रोक में क्या करना है, हमें डाउनवर्ड चलना है. तो डाउनवर्ड हमारी जो लाइन जाएगी वो थिक लाइन होगी. ठीक है, कैसे जाएगी, थिक लाइन जाएगी. नीचे की साइड जो जाएगी लाइन हमारी वो मोटी होगी, पहले वाले की जैसे जो लाइन थी वो थिन थी, अभी क्या है, थिक लाइन है. तो लाइक दिस अब क्या करोगे, इसी टाइप से प्रैक्टिस करोगे. आप स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर सकते हो और डायगनली भी फॉर्म कर सकते हो, स्लैंटिंग भी कर सकते हो. ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें नीचे जाना है तो डार्क बनाना है और अप साइड जाना है तो लाइट हमें पेंसिल का यूज़ करना है, लाइटली हमें अपनी पेंसिल को प्रेस करना है. ठीक है, लाइक दिस आपने डिफरेंस देखा ना, अभी हम देख रहे थे, क्या दिखा रहे थे हम, लाइटली हमें क्या करना है, अप स्ट्रोक में बनाना है और डाउनवर्ड जो हम यूज़ करेंगे वो डार्क होगा पेंसिल में, तभी हम कैलीग्राफी अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, अभी हम इसका नाम लिख लेते हैं. आफ्टर दिस प्रैक्टिस करने के बाद हम सेकेंड स्टेप में आते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस क्या बनाएंगे, हम लोग zigzag बनाएंगे, लाइक दिस अप एंड डाउन स्ट्रोक्स के फॉर्म करेंगे. इससे क्या होगा, हम जो अल्फाबेट है वो अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे. तो ऐसी भी प्रैक्टिस करनी है हमें, जैसे हम कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करते थे तब भी हम लोग बहुत सारे क्या करते थे, पैटर्न्स बनाते थे ना, वैसे ही हमें इसमें भी पैटर्न्स बहुत सारे बनाने हैं, जिससे हमारी क्या हो, अल्फ़ाबेट अच्छे हो जाएँ. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले अच्छे से पैटर्न को फॉर्म करेंगे. ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाए, पेंसिल हमारी जो है पूरी अच्छे से हमारे हाथ में एडजस्ट हो जाए कि हमें कब डार्क बनानी है लाइन, कब क्या बनानी है, लाइट बनानी है लाइन, ये हमें फॉर्म आने लगे. ठीक है, हमारे हैंड्स में क्या हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए हमारा हाथ. ठीक है, इस टाइप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अब बार बार देखिएगा वीडियो को, बार बार ट्राई कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कीजिए, तभी आप अच्छे से कैलीग्राफी कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. हम कैपिटल लेटर्स कैसे लिखेंगे, इसको फॉर्म करना हम सीखेंगे. ठीक है, अब हमें वही ट्रिक अपनानी है जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया था. तो हमने ये फॉर्म किया ए, फिर उसके बाद सारे अल्फ़ाबेट को हम फॉर्म करेंगे. ठीक है,
अच्छा, आपको ये तो याद है ना कि क्या बनाना है। कैलीग्राफी में हमेशा याद रखना है कि अप स्ट्रोक क्या होगा, जो थिन लाइन होगी, और डाउन स्ट्रोक हमेशा क्या होगा, थिक लाइन होगी। तो ये हमेशा याद रखना है, थिक डाउन और थिन अप, ठीक है। कैलीग्राफी जो है हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करती है। तो हम बताना चाहते हैं कैलीग्राफी की बेस पे प्रकृति मलाल है, जो नेपाल की रहने वाली है, और उनकी राइटिंग को वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए अवार्ड भी दिया गया है 2020 में, ठीक है। तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हमें क्या करना है, पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लोअर केस अल्फ़ाबेट फिर के बाद सीखेंगे। तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं अप स्ट्रोक लाइटली और डाउन स्ट्रोक डार्कली, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने इस लोअर केस अल्फ़ाबेट का ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको क्या हुआ है, आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे और सैटरडे को आप इसकी एक वीडियो या फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद अब अच्छे से ये जो पूरे फुल स्टेप्स को अच्छे से सीखना है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, ABCD का पूरा जो सेट है उसको हमें एक साथ कलेक्ट करके ही लिखना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है हमें मैक्सिमम 20 टाइम, या मैक्सिममली आप जितना कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, हाथ जो है
एडजस्ट हो जाएगा, हैंड जो है एकदम एडजस्ट हो जाएगा, जैसे आपको जॉइंट अगर हैंड राइटिंग लिखनी है कैलीग्राफी में, तो है ना, कैलीग्राफी अच्छी तभी लगती है जब कर्सिव राइटिंग के फॉर्म में हम अच्छे से क्या कर पाते हैं, जॉइंट हैंड राइटिंग लिख पाते हैं। तो इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।